हे गाइस, मेरा नाम है मुन्नामुच्ची। मैं तुम्हें कहता हूँ बच्चों को जी गुजी, ये माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज एपिसोड 2। तो जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि लास्ट वाली एपिसोड में मैंने ये फूड फार्म बनाया था अपने फूड की जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए। यहाँ पे मैंने आलू, गाजर और गेहूँ, गंदम लगाई थी, वीट यानी। और ये है मुझे लाभ, मैंने वेंडिंग ट्रेडर से उधारे पे लिया था। इसको इधर आए, देखा है, मेरी बात भी मानता है। आप लोग मुझे इस लामा का नाम भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। इसके ऊपर हम कारपेट डाल देते हैं, ये कारपेट मुझे बहुत पसंद है लामा पे, क्योंकि इस पे एक एंडरमैन होता है बना हुआ। ये देखे, रात होने वाली है। ओहो, आज के इस वीडियो में मैं अपना घर को अपग्रेड करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने कारपेट लगाया था ताकि पाँव गंदे अंदर ना जाए। ये देखा, वैसे तो मैंने उसके लिए बनाया था, 2 बजे से लगा दिया था। हम सो के देख लेते हैं, अभी नहीं सो सकते। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने सामान जमा करके इस चेस्ट में रख ली है। नहीं, इसमें नहीं, दूसरी वाली है। किधर है? यहाँ पे तो नहीं है, दूसरी वाली चेस्ट में देखते हैं। अभी भी नहीं सो सकते, पहले सो ही जाते हैं यहाँ तो। अब सो जा, सो जा, सो जा, सो गया। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये मेरे पास आयरन का आर्मर कहाँ से आया। ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। पहले तो मैं आयरन आर्मर की वीडियो डालनी थी लेकिन वो डिलीट हो गई, जिसकी वजह से ये हो गया सीन। तो एक ईस्टर फेस्टिवल लगा हुआ है आजकल, क्योंकि ईस्टर है ना, तो ये माइनक्राफ्ट ने मुझे ये स्किन गिफ्ट की है, काफ़ी अच्छी है। ये देखा, ये मैं दोबारा से जल्दी से आर्मर को पहन लेता हूँ। यहाँ अब मैं आपको, मैं आपको वुड दिखा देता हूँ। मैंने वुड काफ़ी सारी जमा की क्योंकि अब मैं घर डर्ट से वुड में अपग्रेड करूँगा। यहाँ पे वजह है ऑग लॉग, ऑग प्लैंग, ऑग क्लॉक, ऑग लॉग, ऑग क्लॉक नहीं, और यहाँ पे बर्ज के भी है। स्टोन भी थोड़ा सा ले लेते हैं, मुझे हो सकता है इसमें स्टोन जनरेटर भी बनाना पड़े। किधर गए मेरे कॉर्बल स्टोन? अरे हाँ, तो अब ये जगह सही होगी, इधर बना लेते हैं हम अपना घर। ये मैंने काफ़ी सारी फ्लड की थी, तो अभी वहाँ पे इतनी सारी डर्ट थी मेरी चेस में। तो हम काफ़ी अच्छा सा घर बनाने वाले हैं, और ये मेरा खुद का डिज़ाइन किया हुआ है। तो हम अपने प्लैंक को निकाल लेते हैं अपनी इन्वेंटरी से। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से हम 10 ब्लॉक को आगे तक खींच देते हैं। ये बुम 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 जादू यहाँ पे इधर। अभी हम फ्यूचर में काफ़ी सारे फार्म भी बनाएंगे। हाँ, तो देखते हैं आगे क्या करना है। तो जब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, और लाइक भी कर दो, और अपना लव मुझे दिखाने को। पहले हम ये 11 और ये अब हम 6 ब्लॉक आगे आ गए। अब इधर से हम एक और आगे ले लेते हैं। अब यहाँ से 1 2 3 4 5। आप में से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसी मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए। और जो अभी चैनल पे नया है और ये मेरी सर्वाइवल सीरीज पहली दफ़ा देख रहा है, तो वो पहले के भी 2 पार्ट देख ले, उसमें हमने काफ़ी सारा काम किया था। मैं सोच रहा हूँ अपने फूड फार्म को भी अपग्रेड करूँ। हम इसकी शेप को थोड़ा सा सुधार देते हैं, ये तो बिल्कुल डब्बा बन रहा है ना। इसको हम एक काम करते हैं, इधर 3 ब्लॉक आगे लगा देते हैं। ये ऐसी शेप काफ़ी अच्छी रहेगी। यहाँ से हम 4 ब्लॉक ऊपर चढ़ जाते हैं। 1 मिनट, 1 2 दो वही लगना, 2 3 और ये 4। मैं आपसे ये वॉल को फिल करने के बाद ना, इस तरह फिल करने के बाद मिलता हूँ थोड़ी ही देर में, जब तक आप फूको मतलब कुछ ही करो। तो ये मैंने वॉल्स को पूरा कर दिया है। हाँ, मैं आपको लुक भी दिखा देता हूँ। ऐसा लग रहा है अभी तो काफ़ी गंदा लग रहा है, मगर बाद में बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो अभी हम इसकी ज़मीन को प्लैंक से ही भर देते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हैं कूड। ये बात तो वो मैंने भर दिया था, तो मैं स्टोन कटर ले आया था विलेजरों ने चुरा के, क्योंकि अभी हम ना इधर स्टेयर्स बनाएंगे ना, यहाँ पे मैंने स्टेयर का स्ट्रक्चर भी बना दिया था, तो इधर हम अभी अपने को ऐसी टेम्प्ररी इधर ही लगा देते हैं। इसको खोलो और इधर से हम अपने एक और कॉर्बल स्टोन की स्टेयर बना लेते हैं। आ जा आ जा, ये चार बहुत ही है, बहुत नहीं है, बहुत ही नहीं है, बहुत है। इधर से हम ऊपर लगाते हुए चलते हैं अपनी स्टेयर्स को। ये नीचे एक रह गई, उधर भी लगा लेते हैं ये। अब हम ना एक काम करते हैं कि यहाँ से ये निकाल लेते हैं, और ये जो है ना, ये वाला एक ब्लॉक, इसको तोड़ देते हैं। हाँ, तो अब इधर हम लगा देते हैं कॉर्बल स्टोन को। ये बात आए, चोट लग गई। अब इसके नीचे वाले वुड्स को भी तोड़ देते हैं जल्दी से। ये बात सही सही हो गया, मज़ा आ गया। ये घर काफ़ी अच्छा लगने वाला है, क्योंकि मैंने पहले भी बनाया हुआ है, काफ़ी मैंने सोचा था इस घर के बारे में, फिर ही बनाया। तो एक काम करते हैं, मैं आपको इधर एक मिनट, ओए मैं इधर कॉर्बल स्टोन जनरेटर बनाया था और इधर आगे क्रीपर फूट गया है, वहाँ से मैं थोड़े कॉर्बल स्टोन को जमा कर लेता हूँ, और आपसे अब छत बनाने के बाद ही मिलता हूँ। जल्दी से हम कॉर्बल स्टोन तोड़ के आपसे छत बनाने के बाद मिलते हैं। मैंने पूरा ही घर बना दिया है, आपको लुक दिखा देता हूँ। ये देखो काफ़ी अच्छी लुक है, अंदर से भी दिखा देता हूँ। ये देखो चीताज मेंशन लिखा है ऊपर मैंने। ये बात, ये अंदर से ज़्यादा कुछ नहीं किया, अभी फर्नास लगाने और उस घर से यहाँ पे सामान भी ट्रांसफ़र करना है, इधर हम ये लगाते थे। ये मेरा बेड भी इधर ही है, और यहाँ पे हम छत, छत पे तो कुछ ऐसा खास है ही नहीं। MLG आपको अपनी दिखा देते हैं, ऐसे थोड़ी पुरो बंदे। तो जिस जिसको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करो, और तब तक के लिए बाय बाय।